आज के इस वीडियो में हम GSTR 1 के अंदर आने वाले बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आप कुछ ही सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जो हमने जेसन क्रिएट करी है GSTR 1 की, वो पोर्टल पर लोड नहीं होती है। तो पोर्टल पर लोड नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि आपकी जेसन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो रही है। तो मेरे पास एक फ़ाइल थी, ऐसी फ़ाइल जो लोड नहीं हो रही थी, उसको मैंने लोडिंग फाइल में कैसे कन्वर्ट किया ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब इस नोट लोडिंग फाइल को हम नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ओपन कर लेते हैं। अगर आपको व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, अगर आपको रीडेबल फॉर्मेट में इसको बदलना है तो मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है कि आप यहाँ प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन एडमिन के अंदर जाएंगे और यहाँ अवेलेबल के अंदर आप जेसन व्यूअर सर्च करेंगे। मेरे शो नहीं होगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी डला हुआ है। फिर उसके ऊपर टिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ ही टिक करता हूँ सेलेक्ट एंड लॉन्च पे। आपको ये नहीं करना है, आपको जेसन व्यूअर पर टिक करना है और यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। थोड़ी देर में वो इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ इंस्टॉल में वो शो हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ आपको दिख रहा है जेसन व्यूअर्स मैंने डाल रखा है। अब इसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ जेसन व्यूअर आपको दिखाई देगा और यहाँ फॉर्मेट जेसन पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जेसन फॉर्मेट हमारा इस तरह से बन गया है। जो रीडेबल फॉर्मेट है इसके अंदर चार सेक्शन होते हैं। एक तो B2B होता है आपका, मेरे केस में चार सेक्शन है। एक B2C होता है, एक HSN होता है और एक डॉक्यूमेंट इशूज होता है। ये चार आपके मेन एलिमेंट होते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, बाकी कंपनियों की भी लोड हुई है लेकिन इसी कंपनी की लोड नहीं हो रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट इशू वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ है इनवॉइसेस फॉर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। यदि आपका कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है जैसे मेरे केस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट ऑटोमेटिक टैली से जनरेट हो गया जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ कॉमा से लेकर के और इस पूरे एलिमेंट को यहाँ तक ये देख लिए, यहाँ रेड हो गया, यहाँ रेड हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एलिमेंट मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये अननेसेसरी एलिमेंट था जो मेरे ऑटोमेटिक टैली से बन गया जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट टाइप है मेरा यहाँ इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इसमें जो इनवॉइसेस फ्रॉम है वो भी गलत आ रहा है, तो मैं इसको यहीं की यहीं ठीक कर लूँगा। मुझे पोर्टल पर जा कर के रीजनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं एक बार मैं यहीं से ठीक कर सकता हूँ इसको। 006 आ रहा था, 001 से स्टार्ट हो रहे हैं, 138 टोटल हो गए, 138 माइनस 3 135 टोटल वाउचर्स हो गए। इतना करने के बाद मैं इसको फाइल सेव एज कर सकता हूँ या सेव कर सकता हूँ, मेरा पर्पज़ केवल आपको दिखाना था। तो ये फाइल आप इसको सेव कर देंगे, फिर एक बार लोड करवा के देखेंगे, अगर लोड होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है लोड तो उस केस में आपको क्या करना है। अब दोस्तों आपको 1x1 ट्राई एंड रन करके देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से सेक्शन में इशू है। सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट इशू को आप ठीक कर चुके हैं, इसके अंदर और करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो अब और करेक्शन हम किस में करें, हो सकता है आपके कोई HSN में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप HSN वाला एलिमेंट भी एक बार डिलीट करके देख लीजिए और डिलीट करके उसको सेव कीजिए और सेव करने के बाद उसको पोर्टल पर लोड कर दीजिए। मैं यहाँ से आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से इस तरह से कीजिए और ओनली इतना डिलीट कर दीजिए तो आपका HSN एलिमेंट पूरा डिलीट हो जाएगा। फिर आप इसको सेव कीजिए और लोड कीजिए पोर्टल के अंदर। क्या अब ये लोड हो रहा है? अगर पोर्टल पर लोड हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा HSN में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो हम वापस इस HSN को ला करके एक 1x1 चेक कर सकते हैं यहाँ से क्या प्रॉब्लम है HSN की, उसको सॉर्ट आउट करके फिर हम दोबारा से लोड करेंगे तो हमारा प्रॉपरली लोड हो जाएगा। अब बार बार हम लोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोस्तों एक बार आप लोड कर देंगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन GSTR 1 के अंदर चली जाएगी, लेकिन आप वहाँ नीचे देख सकते हैं वहाँ रीसेट का ऑप्शन आ गया है, तो रीसेट पर आप क्लिक करेंगे तो वापस से सारी वैल्यूज़ अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। और यदि आप बार बार लोड करते हैं, जैसे मैंने एक बार B2B का लोड कर दिया, फिर एक बार B2CS का लोड कर दिया, फिर HSN का लोड कर दिया, इस तरह से आप टुकड़ों में भी पोर्टल पर लोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप 1x1
टैग्स को डिलीट करके, एलिमेंट को डिलीट करके ये जान सकते हैं कि आखिर आपकी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, और उस पार्ट को ठीक करके आप दोबारा से रीलोड कर सकते हैं पोर्टल पर। इस तरह से जो भी आपकी GSTR1 की प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में और अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।